लास्ट ईयर में हम लोगों ने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था कि मोमेंटम क्या चीज है और इसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आज हम लोग इस मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे और इसे बल्कि मुख्य मिसालों से समझेंगे भी कि आखिर मोमेंटम है क्या। जैसे कि रॉकेट की मिसाल मैंने दी थी कि रॉकेट को जो है हम मोमेंटम की मिसाल में ले सकते हैं। रॉकेट दरअसल एक ऐसा बहुत ही बड़े मास का हामिल जिस्म है जिसे हम लोग मुख्य एग्जाम के जो है चीजें जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रॉकेट जो होता है ये बहुत ज्यादा मोमेंटम के साथ जो है गैसेस को बाहर की तरफ इजेक्ट करता है और जितने ही मोमेंटम के साथ ये गैसेस को बाहर की तरफ इजेक्ट करता है उतने ही मोमेंटम के साथ हमारा जो रॉकेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। यानी कि आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम न्यूटन का थर्ड लॉ भी लगा सकते हैं। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है न्यूटन अपने तीसरे कानून में ये कहता है कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। अगर मैं ये कहूँ कि इस रॉकेट का ऊपर की तरफ जाना हमारा एक्शन है तो रिएक्शन इसका ये होगा कि हमारा एक्शन ये है तो जो हमारा रिएक्शन है वो गैसेस का इजेक्शन जो है वो इजेक्शन है, गैसेस का बाहर की तरफ खारिज होना है, इसे हम लोग रिएक्शन कह देते हैं। जितना मोमेंटम जो है हमारा रॉकेट गेन करता है आगे जाने के लिए उतना ही मोमेंटम हमारी गैसेस भी गेन करती हैं बाहर की तरफ खारिज होने के लिए। यानी कि मुझे ये कह देना चाहिए कि मोमेंटम ऑफ रॉकेट, यहाँ पे मोमेंटम ऑफ रॉकेट इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ गैसेस, और ये जो गैसेस का मोमेंटम है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो मुझे यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देना चाहिए ये बताने के लिए कि ये दोनों चीजें जो है वो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। रॉकेट के उड़ने या चलने से पहले का मोमेंटम बिल्कुल जीरो होता है और जैसे ही रॉकेट चलता है तभी तो कोई ना कोई वो मोमेंटम गेन करता है, इसलिए रॉकेट के चलने से पहले का मोमेंटम जीरो होता है और बाद का मोमेंटम कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है और पहले का जीरो होता है। अगर अब मैं रॉकेट की कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो इसकी कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा स्टेजेस होती हैं। एक रॉकेट जो है वो बहुत ज्यादा स्टेजेस पे मुश्तमिल होता है और हर स्टेज में तीन चीजों का होना मस्ट है। हर रॉकेट के अंदर तीन चीजों का होना तो मस्ट है। एक चीज जो है वो हमारी लिक्विड जो है लिक्विड हाइड्रोजन होगी, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। यहाँ पर हमें कहना चाहिए कि जो हाइड्रोजन है वो लिक्विड यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दूसरी चीज जो हमारे पास इस्तेमाल होती है वो भी लिक्विड ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, लिक्विड ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और ये बर्निंग प्रोसेस में काम आती है। यहाँ पे लिख देना चाहिए ये बर्निंग प्रोसेस में काम आती है, बर्निंग प्रोसेस यानी कि ऑक्सीजन जो है वो जलने में, हमें मालूम है कि ऑक्सीजन जलने के अमल में मदद देती है और जो रॉकेट के अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल की जाती है वो लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है और जो फ्यूल हम लेते हैं उस फ्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन गैस है वो भी लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा जो तीसरी नंबर पे जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसे हम लोग कम्बक्शन चैम्बर कहते हैं, जिसके अंदर ये चीज़ों के जलने का प्रोसेस होता है, वो चीज़ जो है वो कम्बक्शन चैम्बर है। तो ये तीन चीजों का हर रॉकेट की हर स्टेज के अंदर होना जरूरी है। ये रॉकेट की कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी स्टेजेस आती हैं। इसके अलावा अगर हम रॉकेट के फीचर्स पे गौर करें तो इसके जो फीचर्स हैं, हर रॉकेट के कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं। हर रॉकेट जो है वो जो मास है वो तकरीबन 10,000 kg/s यूज करता है फ्यूल का, यानी कि जो भी रॉकेट है उसके अंदर जो सारा का सारा मास है वो फ्यूल के फॉर्म में होता है, यानी लिक्विड फॉर्म में। उस फ्यूल के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन गैस भी होती है, ऑक्सीजन गैस भी होती है, तो जो हमारा रॉकेट है वो 10,000 kg/s इस्तेमाल करता है, यानी एक सेकेंड के अंदर हमारा जो रॉकेट है वो 10,000 kg फ्यूल जो है वो कंज्यूम कर लेता है। तभी तो इसका मोमेंटम इतना ज्यादा होता है, इसकी स्पीड इतनी हाई होती है क्योंकि एक ही सेकेंड में काफी हद तक जो हमारा जो फ्यूल है उसे कंज्यूम कर लेता है। और जो इसके अंदर गैसेस के जलने की स्पीड है, यानी कि हमारी जो गैसेस हैं बाहर की तरफ इजेक्ट हो रही हैं, ये अंदर जलती भी तो है यानी बर्निंग प्रोसेस भी होता है, तो गैसेस की जो स्पीड है यहाँ पर लिख देना चाहिए हमें स्पीड ऑफ गैसेस, जो गैसेस की स्पीड है वो तकरीबन 4,000 m/s होती है। 4,000 m/s की जो है उनकी स्पीड होती है गैसेस के जलने की।
इसके अलावा हमारे रॉकेट का जो मास लॉन्च किया जाता है वो ऑलमोस्ट 80% फ्यूल पे मुश्तमिल होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि रॉकेट का जो है वो 80% जो पार्ट है वो हमारे फ्यूल पे कंसिस्ट होता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो है वो हाइड्रोजन फ्यूल होता है, लिक्विड ऑक्सीजन होती है और भी बहुत मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं इंग्रेडिएंट्स वगैरह वो फ्यूल की फॉर्म में ही इस्तेमाल की जाती हैं। तो हमारा जो रॉकेट है उसका बेसिकली ज़्यादातर मास जो है वो 80% होता है, वो 100% होता है, जिसमें से 80% जो है वो फ्यूल की फॉर्म में और बाकी 20% जो है वो हार्ड फॉर्म में होता है। अब अगर मैं रॉकेट का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहूँ, ये बताना चाहूँ कि रॉकेट कितनी तेज़ी से आगे मूव करता है या रॉकेट के मूव करने का इनफार किन बातों पे है, रॉकेट किस तरीके से मूव करता है, तो मुझे उसके लिए दो चीज़ों का मालूम होना चाहिए। फर्स्ट कर लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो ये है, इसे वीलेट कर लेते हैं, ये हमारी जो है वो वेलोसिटी है रॉकेट की। और जो टाइम है जिस टाइम में हम ये वेलोसिटी नोट कर रहे हैं यानी कि हमारा डेल्टा टी, उसे हम लोग लेट कर लेते हैं 1 सेकेंड, क्योंकि हमें मालूम है कि जो रॉकेट है वो 10,000 kg मास यूज़ कर लेता है पर सेकेंड। तो हम लोग फर्स्ट कर लेते हैं कि सारा का सारा काम हम सिर्फ 1 सेकेंड के लिए ही कर रहे हैं। तो अगर मैं मोमेंटम की बात करूँ तो मोमेंटम में हम लोगों ने एक रिलेशनशिप पढ़ा है और वो रिलेशनशिप ये है कि अगर मुझे फोर्स मालूम करनी हो तो मैं डेल्टा पी डिवाइडेड बाय जो है वो डेल्टा टी ले सकता हूँ, यानी इम्पल्स की जो है ले सकती हूँ, इम्पल्स की जो है वो रिलेशनशिप ले सकती हूँ डेल्टा पी, इसलिए क्योंकि मुझे रॉकेट का जो है वो मास वो भी नॉन होगा, उसकी वेलोसिटी भी पता है और जो टाइम है वो मैंने अज्यूम कर लिया है, एलर्ट कर लिया है कि वो 1 सेकेंड है। तो इस तरह से मुझे मालूम चल जाएगा कि रॉकेट के ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो एम वी है। दूसरी बात ये कि अगर यहाँ पर मैं न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाऊँ तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो हमें ये बताता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई की जाए तो वो फोर्स उसके मास इनटू एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। अगर मैं इसे ये कह दूँ कि ये इक्वेशन ए है और ये इक्वेशन बी है तो इन दोनों को इक्वेट करने से मेरे पास जो रिलेशनशिप बनता है वो ये है कि ये एम वी इज इक्वल्स टू एम ए है। और अगर इस चीज़ को मैं यहाँ पे ये कह दूँ कि ये कैपिटल मास कह दूँ से, यानी इसे मास ऑफ द रॉकेट कह लूँ, कैपिटल मास जो कैपिटल एम है इसे हम लोग कह देते हैं कि ये मास ऑफ रॉकेट है, तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल एम लगा लेते हैं ताकि इन दोनों में थोड़ा सा फर्क में पता चल जाए। ये स्मॉल मास जो है वो गैसेस के लिए और कैपिटल एम जो स्मॉल एम जो है वो गैसेस के लिए और जो कैपिटल एम है उसे हम लोग रॉकेट के लिए लगा लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एम इंटू ए आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला निकालना चाहूँ रॉकेट के लिए तो ए इज इक्वल्स टू एम वी ओवर कैपिटल एम आ जाएगा। इसका मतलब है कि जितना हमारे जो रॉकेट है उसका एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी गैसेस की, गैसेस जितनी तेज़ी से नीचे की तरफ इजेक्ट करेंगी जितनी तेज़ी से उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी उतना ही हमारा रॉकेट का जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा होगा, यानी कि हमारा रॉकेट उतनी ही तेज़ी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और दूसरी बात हमें ये पता चलती है इस रिजल्ट से कि जितना हमारा गैसेस हमारी जो गैसेस हैं उनका मास ज़्यादा होगा उतना ही हमारा जो है एक्सेलरेशन भी बढ़ता चला जाएगा और हमारा जो रॉकेट है वो उतनी ही मैक्सिमम स्पीड जो है वो अटेन करता चला जाएगा, उतनी ही तेज़ी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा। लेकिन इन दोनों चीज़ों के अलावा एक तीसरी चीज़ भी हमें इस फॉर्मूले में नज़र आ रही है, वो चीज़ ये है कि हमारे जो रॉकेट का एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली रिलेटेड करता है मास ऑफ द रॉकेट से, यानी एक्सेलरेशन उस रॉकेट का कि वो कितनी तेज़ी से मूव करेगा ये डिपेंड करता है रॉकेट के अपने मास पर भी। जितना हैवी रॉकेट होगा उसके अंदर जितना ज़्यादा फ्यूल होगा, जितना ज़्यादा उसकी कंस्ट्रक्शन होगी, जितना हैवी वो होगा उतना ही एक्सेलरेशन जो है कम होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर किसी हल्की चीज़ को ऊपर लेके जाना हो तो वो आसान होता है और जब किसी भारी चीज़ को ऊपर लेके जाना हो तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर गैसेस की इजेक्शन की बात की जाए तो हमारा ए उतना ही ज़्यादा होगा जितना इनका मास ज़्यादा होगा, और अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए इस गैसेस के वेलोसिटी से तो हमारा एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा जितना इन गैसेस की वेलोसिटी, लेकिन हमारा एक्सेलरेशन जो है उतना ही कम होगा जितना ज़्यादा इस रॉकेट का मास होगा। अगर हमारा रॉकेट बहुत ज़्यादा हैवी है तो हमारा एक्सेलरेशन बहुत कम होगा, क्योंकि रॉकेट को ऊपर जाने के लिए जो है वो कम एक्सेलरेशन चाहिए होगा अगर उसका मास बहुत ज़्यादा हो, यानी वो बहुत डिफिकल्टी से ऊपर जाएगा अगर उसका मास ज़्यादा हो।
और अगर उसका मैस कम होगा तो जाहिर सी बात है वो एक हल्की चीज़ है, और हल्की चीज़ जो है वो बुलंदी तक आसानी से जा सकती है। तो इस तरह से मोमेंटम को इस्तेमाल करते हुए हम ये भी बता सकते हैं कि रॉकेट की वेलोसिटी कितनी है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, उसका मास कितना है, कितने मोमेंटम के साथ गैसें जो है वो इजेक्ट होती हैं, और कितना मोमेंटम हमारा जो रॉकेट है वो गेन करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए। तो जो हमारा मोमेंटम है वो हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है रॉकेट के लिए, क्योंकि रॉकेट को हम बहुत ज़्यादा पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम स्पेस में इसे इस्तेमाल करते हैं, हम मुख्तलिफ चीज़ों में इसे इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वो मोमेंटम के साथ इसमें से इजेक्शन ऑफ गैसेस होती हैं, और उतने ही मोमेंटम के साथ हमारा जो रॉकेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये मोमेंटम की एक मिसाल थी। होप सो आपको काफ़ी हद तक मोमेंटम के बारे में समझ आ चुका होगा।